दोस्तों यह दोनों मल्टीप्लीकेशन है, मैं ऐसे नंबर लिखूंगा और ऐसे इसका आंसर लिख दूंगा, फिर इसमें ऐसे नंबर लिखूंगा और फिर इसका आंसर लिख दूंगा। अब इतनी फास्ट कैलकुलेशन मैंने कैसे की, तो दोस्तों आज आप यही सीखेंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर गुरु में। दोस्तों इस वीडियो को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में हम सिखाएंगे आपको जो 100 से कम नंबर रहते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट में हम सिखाएंगे जो 100 से ज़्यादा रहते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, और थर्ड पार्ट में हम सिखाएंगे जो 100 से दोनों रहते हैं, जैसे कि 100 से कम रहेगा और 100 से ज़्यादा रहेगा, उनके मल्टीप्लिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम सीखने वाले हैं जो 100 से कम नंबर रहते हैं, जैसे कि 99 × 97। अब हम इसको देखेंगे 100 से कितना कम है, जैसे कि यह 1 कम है और यह 3 कम है, तो आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए या फिर इसको इसमें से, आंसर सेम आएगा 96, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके आप यहाँ पर लिख दीजिए 03, आ गया इसका आंसर। आइए और नंबर लेते हैं, जैसे कि 98 × 96। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 कम है 4 कम है, इसको इसमें से माइनस करिए या फिर इसको इसमें से, आंसर सेम आएगा 94, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर लिख दीजिए 08। आइए और नंबर लेकर देखते हैं दोस्तों, जैसे कि 95 × 99, या 5 कम है या 1 कम है, इसको इसमें से या फिर इसको इसमें से माइनस करिए, आंसर सेम आएगा 94, इसकी मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर लिख दीजिए 05। आइए और नंबर लेते हैं दोस्तों, मज़ा आ रही है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे कि 99 × 94, या कितना कम है, 1 कम है या 6 कम है, इसको इसमें से या फिर इसको इसमें से माइनस करिए 93, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 06, ये आ गया इसका आंसर। अब दोस्तों हम सीखने वाले हैं जो 100 से ज़्यादा ज़्यादा नंबर रहते हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन आप कैसे कर। दोस्तों जो 100 से ज़्यादा नंबर रहते हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि 101 × 103, इनकी आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है। कैसे करेंगे आप, या आपको देखना 100 से कितना ज़्यादा है, या 1 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है, आप इसको इसमें प्लस कर दीजिए या फिर इसको इसमें प्लस कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। जैसे कि 103 में 1 प्लस करेंगे तो 104 आ जाएगा, और इसमें भी आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिख दीजिए 03, आंसर आ गया। जी हाँ दोस्तों आपका आंसर आ गया। आइए और नंबर लेकर देखते हैं, जैसे कि 103, 107, तो यह 3 कम है या 7, सॉरी यह 3 ज़्यादा है या 7 ज़्यादा है, इसको इसमें प्लस करिए या फिर इसको इसमें, आंसर सेम आएगा 110, इसके मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर लिख दीजिए, आंसर आ गया आपका। आइए और नंबर लेते हैं, जैसे कि क्या लें, 106, 102, या 6 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है, इसको इसमें प्लस करिए या फिर इसको इसमें, 108 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके आप यहाँ पर लिख दीजिए, आ गया आपका आंसर। आइए और नंबर लेकर देखते हैं, लास्ट नंबर लेते हैं अब, 109, 108, या 9 ज़्यादा है या 8 ज़्यादा है, इसको इसमें प्लस करिए या फिर इसको इसमें, आंसर सेम आएगा 117, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 8 × 9 = 72, आ जाएगा आपके यहाँ 72, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जो 100 से ज़्यादा नंबर रहते हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन। अब आइए दोस्तों हम सीखते हैं जो 100 से कम रहता है और 100 से ज़्यादा रहता है उनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते। दोस्तों इसको सीखने के लिए पहले हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि क्या लें, 99 × 102, ओके, फिर उसके बाद आप देखेंगे यह कितना 100 से 1 कम है, या 1 कम है और या 2 ज़्यादा है, फिर आप इसको इसमें प्लस कर दीजिए या फिर इसको इसमें माइनस कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। जैसे कि 102 में आप 1 प्लस करेंगे तो 101 आएगा, 99 में आप 2 प्लस करेंगे तब भी 101 आएगा, आप 101 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद
आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके इससे माइनस कर दीजिए, 8901, ये आ गई आपका आंसर। आइए और नंबर लेकर, आपको समझ नहीं आया हो, आइए और नंबर लेकर देखते हैं, जैसे कि क्या लें, 98 × 104, ठीक है, दो ज़्यादा है दो कम है, -2, चार ज़्यादा है +4, इसको इसमें प्लस करिए या फिर इसको इसमें माइनस करिए, आंसर सेम आएगा 102। दो जीरो बढ़ा लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इससे माइनस कर दीजिए, आएगा 2901, आ गई ये आपका मल्टीप्लिकेशन। आइए और नंबर लेकर देखते हैं, अब हम फास्टली करेंगे थोड़ा, जैसे कि 97 × 101, यह तीन कम है और यह एक ज़्यादा है, इसको इसमें प्लस करिए या फिर इसको इसमें, 98 आएगा, इसको दो जीरो बढ़ा के इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से माइनस कर दीजिए, आ गया 7979, आ गई आपका आंसर। आइए और नंबर लेकर देखते हैं, जैसे कि 96 × 104, चार ज़्यादा है, चार कम है, चार ज़्यादा है, इसको इसमें प्लस करिए या फिर इसको इसमें माइनस करिए, आंसर सेम आएगा 100। फिर उसके बाद आप क्या करना है, दो जीरो बढ़ाइए, इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस कर दीजिए, कैरी लेंगे, आएगा 4899, ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलो। जय हिंद।